स्टार न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बयानों की चर्चा अक्सर होती रहती है और बीते दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले सुबह सपा और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें चल रही थी। ओपी राजभर ने इसके संकेत भी दिए थे, लेकिन अब उनका खास लगाव बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए नजर आने लगा है और कभी अखिलेश यादव और कभी बीजेपी के साथ दिखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब अपने लिए स्थायी जगह खोज रहे हैं। बीते दिनों सुबह सपा प्रमुख बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब वो बीएसपी और मायावती की तारीफ करने लगे हैं। उन्होंने मायावती की सरकार को सबसे बेहतर बताया है और जिसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या बसपा का दरवाजा राजभर के लिए खुलेगा। नोएडा से खबर है। नोएडा में एक कंपनी ने निर्मित कफ सिरप पीने पे ही उज्बेकिस्तान में कथित रूप से 18 बच्चों की मौत के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली फेज 3 पुलिस ने ही गाजियाबाद के ड्रग्स इंस्पेक्टर आशीष की शिकायत पर कंपनी मेरियम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और जिसके बाद कंपनी के ऑपरेशन हेड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कंपनी के मालिक और मालकिन को फरार बताया जा रहा है। उनकी तलाश की जा रही है और पुलिस ने मेरियम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशन हेड तुहीन भट्टाचार्य और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट अतुल रावत और इसके साथ ही आपको बता दें मूल सिंह पुत्र को B48 सेक्टर 67 से गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी गाजियाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर आशीष के लिए किए गए दवा सैंपल के नमूनों के मानकों पर खरा न पाए जाने की शिकायत के बाद की गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी का मकान शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कराया गया। गौरतलब है कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद क्षेत्र में बाहुबली मुख्य तार अंसारी के बेटे और सदर विधायक अब्बास अंसारी और अमर अंसारी के नाम से एक 2 मंजिला मकान था, जिसे पूर्व में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था, जिसके बाद विरोध में ही बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दी गई और जहां से उनकी फाइल को दोबारा जिलाधिकारी कोर्ट मऊ को भेज दी गई। जिलाधिकारी के द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिए जाने पर शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा उक्त मकान का ध्वस्तीकरण शुरू करा दिया गया। देख सकते हैं किस तरीके से मुख्तार अंसारी के दोनों लड़कियों के ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है, जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी आप देख रहे हैं लगातार लगी हुई है, तो कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे तमाम अधिकारी मौजूद हैं। जिलाधिकारी के आदेशों पर यह कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ सीओ साहब मौजूद है। सर, किस तरीके से यहाँ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, दूसरे के जमीन पर गलत तरीके से बिना नक्शा पास करा के ये बनाया गया मकान है, इसे डीएम साहब के आदेश पे ध्वस्त किया जा रहा है। सर, कौन थे ये, किसकी थी प्रॉपर्टी का जो कार्रवाई हुआ? देखिए, ये मुख्तार अंसारी आपराधिक माफिया हैं, उनके दोनों बेटों के नाम से। जी, तो क्या था इसमें जो कार्रवाई की जा रही है, इसको बुलडोजर चलाया जा रहा है? बताया तो गया कि गलत तरीके से दूसरे के जमीन पे ये बिना नक्शा पास कराए बनाए थे, जिसका डीएम साहब के आदेश होने पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि सीओ साहब ने साफ तौर पे बोला है कि जिलाधिकारी के आदेश पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है और जो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये गलत तरीके से बनाई हुई थी, बगैर नक्शे के बनाई हुई थी और जो इसका जो है जो गलत तरीके का पैसा था, इसी को लेकर के यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। मैं से आसिफ रिजवी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। जिले में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड करने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों का आरोप है कि उनके पुत्र पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर कुछ लोगों ने मारपीट की थी और जिसकी ग्लानी में ही उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया और पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और वही मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। युवक के सुसाइड का पूरा मामला गुनौज कोतवाली इलाके के कस्बा गुन्नौर का है, जहाँ के रहने वाले मनोज का शव अपने घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिसे पता है, जिसके सामने की बात है। मैं काम कर रहा था, मैं देखने वाले आए लड़के, चाय नाश्ता करवाओ, चाय नाश्ता करवाए, सब काम करवाए, माँ से लड़का आ गया। आने के बाद में फिर दोबारा आ गया, चौपार तक आया। एक हमारे देवर लगता है पड़ोस में, उसके साथ बैठ के गए, बैठ के
पलंग जाके हमारे खेतों में जाके पकड़ लिया, वो पकड़ के माँ अपने घर पे लाए, घर लाके मारा है, तोड़ा है। किसने मारा है? लक्की है, और का नाम है जगेश है, और राकेश, और वो है कैलाश। किस बात को लेके विवाद हुआ था? बाद में नौकाई के जबरिया घुस गया लड़की के पास घर में। कल दिनांक 2 मार्च 2023 को श्रावस्ती से खबर है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 95 ग्राम इन्फेटामाइन और सफेद पाउडर के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और बरामद सफेद पाउडर की 20 लाख कीमत आंकी जा रही है। संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने मरवटिया नहर पलिया के पास से ही एक व्यक्ति से 45 ग्राम और दूसरे से 50 ग्राम नशीला सफेद पाउडर बरामद किया था। और वही नवीन मॉडल थाना पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ PCS एक्ट के तहत ही मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। श्रावस्ती थाने अंतर्गत मरवटिया नहर पुलिया जगह पड़ती है, जहां पे पुलिस की चेकिंग लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से लगभग 95 ग्राम एम्फेटामाइन की बरामद की गई है। ये एक नारकोटिक ड्रग है और इसकी मार्केट वैल्यू करीब 20 लाख है। अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इनको 8/21 NDPS एक्ट का चलान किया जा रहा है। काशगंज से खबर है, जहां भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस को मिली सफलता है। और इसके साथ ही पुलिस ने पूरे मामले में षड्यंत्र रचने वाले गिरफ्तार किया है, और बेटी के ससुराल वालों को फंसाने के लिए आरोपी द्वारा दामाद का नाम लिखकर ही रजिस्ट्री कर रंगदारी मांगी गई थी। भाजपा नेता रजनीकांत महेश्वरी को धमकी भरा पत्र भेजकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, और एटा के मारहरा थाना क्षेत्र के गिरफ्तार आरोपी आस मोहम्मद निवासी है। हरदोई में आने वाले होली पर्व के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद हो गई है, और होली में हुड़दंग रोकने के लिए निगरानी भी रखी जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर SP ने लोगों से सौहार्द और शांतिपूर्वक तरीके से होली पर्व मनाने की अपील की है। होली पर्व को लेकर SP राजेश द्विवेदी ने बताया है कि पूरे जनपद को जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है, और इसके साथ ही फायर अटेंडर के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली गई है। कहा कि विगत 5 सालों में है किसी भी गांव में जहां घटना हुई है, ऐसे 262 गांव को चिन्हित किया गया है, जहां पर 107, 116 की कार्रवाई भी प्रचलित है। SP ने कहा है कि होली पर हुड़दंग करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। होली का पर्व वैसे भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, साथ ही साथ जनपद हरदोई के लिए इसका विशेष स्थान है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं नरसिंह अवतार और होलिका दहन की परंपरा यहीं से ही शुरू होने की वदंती रही है। इसके दृष्टिगत इसका महत्व देखते हुए हमने इसमें पूरी तैयारी की है। जनपद में लगभग 3700 होलिका दहन होती हैं, और साथ ही साथ 5 जुलूस निकलते हैं। इन सब पे हमने फोर्स लगाया हुआ है। अभी तक कोई ऐसा विवाद नहीं सामने आया है जिसका निराकरण न हुआ हो, फिर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, और साथ ही साथ कोई नई परंपरा नहीं होने दी जाएगी। जनपद को हमने सेक्टर और जोन विभाजित कर दिया है, साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में QRT रखी गई है, फायर टेंडर्स को सावधान किया गया है, एम्बुलेंसेस की तैयारी कर ली गई है, ट्रेन की तैयारी की गई है। साथ ही साथ हमने विगत 5 वर्षों में जो भी घटनाएँ हुई हैं होली पर्व के आसपास, ऐसे 262 गाँव चिन्हित किए हैं, और उनमें जहाँ भी ऐसा प्रतीत हुआ है कि कहीं कुछ संभावना हो सकती है, वहाँ पुलिस बल नियुक्त किया जाएगा। वह सभी प्रकरणों में 107-16 की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ आप लोग के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि होली पर्व को शुचिता से और हर्षोल्लास के साथ मनाएं, इसमें कोई गंदगी की चढ़ादी का प्रयोग न किया जाए, यथासंभव सूखे रंगों का प्रयोग किया जाए, कोई हुड़दंग न किया जाए, वह सामाजिक समरसता को देखते हुए सभी के साथ मिलजुल करके हम ये पर्व मनाएं। अराजक तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, या कोई कार्रवाई जो मन में नहीं है? जो भी इस पर्व को, इस हर्षोल्लास के पर्व में अगर चाहेगा बाधा डालना या कोई उत्पात मचाएगा, कोई शरारत करेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया कि बहुत लोगों को चिन्हित करके ऑलरेडी 107-16 की कार्रवाई की गई है, उनसे अधिक से अधिक धनराशि की वसूली की जाएगी। वह जो भी कानून के तहत प्रक्रिया में जो हमारा कड़ा से कड़ा कदम होगा वो हमारे द्वारा उठाया जाएगा।
लेखपाल द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी के कारण युवकों ने ही एसडीएम के सामने तेल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया है। विसोली तहसील परिसर में एक व्यक्ति ने लेखपाल और अधिकारियों द्वारा न्याय न मिलने से तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया और एसडीएम और अर्दली ने वह मुश्किल ही आग पर काबू पाया है। और बताते चले आपको कि पूरा मामला जनपद बदायूं जिले के ही बसौली तहसील परिसर का है, जहां पर दवथरा निवासी दिनेश कुमार बिसौली तहसील में पहुंचे और यहां उन्होंने तहसील परिसर में तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। वहीं पीड़ित ने हल्का लेखपाल पर फर्जी मुकदमा लगाने का आरोप लगाया और उसने बताया कि जिसकी शिकायत एसडीएम से करने आया था और उसकी फरियाद न सुनने पर उसने ये कदम उठाया है और वह जिला अधिकारी बिसौली ने और उनके अर्दली ने ही बमुश्किल पीड़ित को आग लगने से बचाया। आगरा से खबर है, जहां सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एटा जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति जब्त की गई है। न्यायालय के आदेश पर एसडीएम एतामदपुर ने कार्रवाई की और पत्नी रेखा यादव के नाम पर करीब 15 बीघा जमीन कुर्क की गई और जमीन की सरकारी कीमत लगभग 1,12,00,000 बाजारों कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। एतामदपुर तहसील क्षेत्र के कुबेरपुर में ये कार्रवाई हुई है। आज एक कुर्की की गई है जोगेंद्र सिंह यादव की गैंगस्टर एक्ट में, जिससे न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट महोदय एटा के आदेशानुसार की गई है, जिसमें उनकी पत्नी रेखा यादव के नाम वो जमीन थी जो कुबेरपुर गांव में स्थित थी और उसकी कुर्की की कार्रवाई आज सभी अधिकारियों की मौजूदगी में की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली रोड में मौजूद गुज्जर भवन में एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ही महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी निरीक्षक मोनिका चौहान, एरोन एजुकेट वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन रश्मि टेरेंस और इसके साथ ही तेजस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हेमंत अरोड़ा और अन्य अतिथियों के द्वारा सरस्वती माँ के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया है। नमस्कार, मैं रश्मि टेरेंस, अध्यक्ष एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जो पिछले 13 सालों से सहारनपुर के समस्त जगहों पे काम करती आ रही है और हम लोग पिछले 5 साल से लगातार सिग्नेचर प्रोग्राम की तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं और इस बार होली पर्व 8 मार्च को पड़ने की वजह से हम लोग 3 मार्च को दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में ये प्रोग्राम बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें सभी वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स से हैं, अलग अलग फील्ड से हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी बहनों को, माताओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत बहुत शुभ हो और आने वाले समय में आप जब आपको कभी भी पुलिस से संबंधित किसी कठिनाई की आवश्यकता होती है तो हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लाल क्षत्रिय महासभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन पंजाब होटल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है और कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा ही दीप प्रज्वलित कर किया गया है। रंगारंग कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं द्वारा म्यूजिकल चेयर और प्रश्नोत्तरी, तंबोला, डांस, गायन आदि के साथ कार्यक्रम किया गया है। मेरा नाम अनिरुद्ध करणवाल, आज लाल क्षत्रिय महासभा की होली मिलन कार्यक्रम था, इसमें अपने विनीत भाई, भरत भाई, संजय भाई, शेखर करणवाल, राजीव भरथरी, बॉबी भाई, इन सब ने मिलके फूलों से होली खेली। और आज हमारे यहाँ हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष रमेश वाले जी मुझे फोन करके प्रदेश अध्यक्ष विजय करणवाल जी और शामली से उच्चैन वाले जी और हमारे बिरादरी के जयसवाल जो महामंडल 1008 श्री संतोषन जी उनका आशीर्वाद हमें आज मिला और हमारे प्रथम भेयर संजीव वाले जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनके द्वारा हमने यहाँ गुलाब की होली खेली गई और हमारे भाजपा के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी आए, उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सब ने मिल के हमारे बहनों ने, भाइयों ने, हमारी माताओं ने, हमारी वाइफ ने मिल के गुलाब की होली खेली सबने। आज हमारी बिरादरी होली में रंग लिया है और अपना सुख दुख में
फिरोजाबाद में दो दिन पूर्व अनिकेत होटल पर छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने देह व्यापार के लिए बुलाई गई दो महिलाओं में जिसमें एक विदेशी महिला भी पकड़ी गई है जिसका वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रही थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं सहित पांच लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों महिलाओं को जेल भेज दिया था। जबकि होटल मालिक और सहित दो होटल संचालक फरार हो गए थे, जिसमें शुक्रवार को उच्च अधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ थाना टुंडरा क्षेत्र में अनिकेत और होटल पहुंचे और कार्रवाई करते हुए अनिकेत होटल को सीज कर दिया। वहीं टुंडला पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। टुंडला क्षेत्र के NH2 किनारे अनिकेत होटल पर दो दिन पूर्व प्रशासन द्वारा कार्रवाई के दौरान दो महिलाएं बरामद हुई थी, जिसमें की एक बांग्लादेशी महिला थी और एक पश्चिम बंगाल की महिला बताई जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन दोनों महिलाओं को जेल भेज दिया है, जबकि पुलिस ने दो महिलाओं सहित तीन अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया है जो कि फरार बताए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज उच्च अधिकारियों के आदेश पर नायब तहसीलदार हेमंत कुमार और थाना प्रभारी की मौजूदगी में आज यहां होटल सीज किया गया है और बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इस तरीके से होटल में चल रहे अनैतिक कार्यों को रोका जाएगा। फिरोजाबाद से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए किशन चंद। अनिकेत होटल पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? आज से लगभग दो दिन पहले COCD महोदय को एक सूचना मिली थी जिसमें के अनिकेत होटल तहसील टुंडला में कुछ देह व्यापार और अनैतिक कार्यों की गतिविधियां हो रही है, जिसमें COCD टुंडला और CO टुंडला के आदेश के क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक टुंडला द्वारा उसके संदर्भ में यहाँ कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, जिसमें कि दो युवतियां मिली जो कि एक बांग्लादेश से संबंधित पूछताछ में पता चला और एक पश्चिम बंगाल से। इसमें तीन जो लोग थे जो संचालक का कार्य कर रहे थे। बांदा के औरन में एक नाबालिग बच्ची का झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस समय बच्ची के हाथ में किताबें होनी चाहिए वहां अधिकारियों और परिजनों के द्वारा हाथ में झाड़ू पकड़ाने का काम किया जा रहा है। मामला बिसरा थाना क्षेत्र के ही औरन कस्बे का है, जहां पर शुक्रवार को सुबह एक नाबालिग बच्ची का सड़क में झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल हुआ है और जहां बच्ची के हाथ में किताबें होना चाहिए था लेकिन पर अधिकारी और परिजनों के द्वारा झाड़ू पकड़ाया गया है, जिसमें खुलेआम बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के द्वारा एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन औरन में इससे बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है, जहां बेटी के हाथ में किताबें होनी चाहिए उसके हाथ में झाड़ू नजर आ रही है, सड़क में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां पर गोविंद दास प्रजापति अपने परिवार के साथ रहता है और गोविंद दास प्रजापति PRD जवान भी है, जिससे उसकी ड्यूटी गांव के ही कुछ किलोमीटर दूर पर मौजूद मंडी में थी। रात ड्यूटी होने की वजह से वो अपनी ड्यूटी कर रहा था और घर पर उसकी पत्नी शीला प्रजापति थी और शीला प्रजापति के अनुसार एक गाड़ी में चार लोग आते हैं और बारी बारी से उतरते हैं और जिनमें तीन लोग आकर उसकी बकरियां चोरी कर ले जाते हैं, जबकि चौथा व्यक्ति में ही बैठा रहता है। घटना की पूरी जानकारी सामने आते ही CCTV कैमरे में भी कैद हुई घटना और गोविंद प्रजापति के टापरे में बंधी छह बकरियों की रस्सी काटकर ये लोग चार पहिया वाहन कार में ही आए थे और फरार हो गए। बकरी की आखिरी बताया जा रहा है कि इसमें से दो लोग शीला प्रजापति के साथ मारपीट करते हुए भी पाए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।